ओके तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे पार्ट को ऐड टू लाइब्रेरी करते हैं खुद के एक फोल्डर में। लेकिन आज का सेशन है जिसमें हम एक्चुअल फिजिकल मटेरियल प्रोडक्ट पे अप्लाई करने वाले हैं। बराबर, हमने एक अपीरेंस मटेरियल तो ऑलरेडी ही यहाँ से लिखा है, जैसे यहाँ लिखा ही है कि अपीरेंस कलर, ये कैटेगरी तो लिखी है, लेकिन यही कैटेगरी एक्चुअल फिजिकल मटेरियल में मुझे चाहिए। बराबर, तो उसके लिए मैं पार्ट को ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा पार्ट है, तो मुझे मटेरियल कैसे अप्लाई करना है। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए यहाँ लिखा है मटेरियल नॉट स्पेसिफाइड, तो उस पर अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ सम ऑफ द मटेरियल दिखेंगे। ये फेवरेट में मटेरियल है, मैनेज फेवरेट लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो ये मटेरियल उसमें है, फेवरेट लिस्ट के मटेरियल है। हाँ, मुझे कोई इससे अलावा भी मटेरियल देना है तो मैं यहाँ से एडिट मटेरियल में जा सकता हूँ, लेकिन ये पार्ट आपको पता होगा कि कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है। दैट्स वाई इसमें एक और फीचर यहाँ आ गया है, कॉन्फ़िगरेशन मटेरियल, यानी कि ईच कॉन्फ़िगरेशन में आपके कोई भी मटेरियल अप्लाई करना चाहते हो अलग अलग, तो आप दे सकते हो। आप यहाँ से भी दे सकते हो या मैन्युअली भी दे सकते हो। तो इसको भी अभी मैं लिमिट कर रहा हूँ, राइट क्लिक एडिट पार्ट। तो ये ओपन हो गया विंडो मटेरियल एडिटर का। ओके, तो एक्चुअली इतने मटेरियल्स अवेलेबल है बाय कैटेगरी, स्टील, आयरन, मेजोरिटी जो मेटल्स है, मेटल की कैटेगरी ज़्यादा है यहाँ, क्योंकि मैकेनिकल वर्क है तो मेटल में ही होगा। पर हाँ, ये नॉर्मल मटेरियल नहीं है, इसके साथ टेक्निकल प्रॉपर्टी भी अप्लाइड हुई है, जैसे कि भाई मॉडल टाइप, यूनिट, कैटेगरी कौन सी है, नेम कौन सा है, अपीरियंस कैसा दिखेगा। बिफोर गोइंग लुक एट दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर सिमुलेशन एंड अदर एक्टिविटी। जैसे ही आपने ये प्रोडक्ट क्रिएट तो किया है, लेकिन आपको ऐसे पता चलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट जेन्यूनली वर्क करेगा इन रियल लाइफ, तो उसमें जब भी सिमुलेशन वगैरह कुछ होगा, आपने ये मटेरियल की फीचर्स में ये सारी प्रॉपर्टी डाली होगी, तो उस हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। तो उस रिजल्ट के बेस पे हम जज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी वैलिड है या नहीं। शेप अकेला इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ आपका मटेरियल भी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। बराबर, तो उसके लिए मटेरियल आपका प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो ये प्रॉपर्टी मैनेजर में आपको ये सारे मिल गए। अपीरेंस, यानी किस टाइप का आपका कलर वगैरह दिखना चाहिए, हैच कैसी होनी चाहिए। कस्टम प्रॉपर्टी, कस्टम प्रॉपर्टी का मतलब है कि भाई इसमें आप मैन्युअली भी कोई अपनी खुद की प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे कि एप्लीकेशन। लेकिन आपने एक बात यहाँ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, बराबर, सिवाय के यहाँ से फेवरेट लिस्ट को ऐड या रिमूव करना सिवा। ओके, तो यहाँ पे मैं और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ सिवाय के मैं ऐड रिमूव फेवरेट करने से बिना। बराबर, तो दैट मीन्स कि अगर मैं खुद का मटेरियल बना रहा हूँ यहाँ से कस्टम मटेरियल में जाके, तो मैं जो भी चीज़ मुझे ऐड करना है या चेंज करना है मैं कर सकता हूँ। बराबर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक प्लास्टिक का मटेरियल अभी अवेलेबल है, तो उसी को मैं कॉपी करके ये कैटेगरी में मैं फॉल कर रहा हूँ पेस्ट करके। बराबर, इसमें मुझे सारी परमिशन है, मुझे जो चीज़ करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। देखो ये सारे ओपन हो गए। लेकिन बेसिकली कस्टम मटेरियल कब यूज़ हो सकता है, जब आपके पास सब टेक्निकल प्रॉपर्टी अवेलेबल है, यानी कि आपने कोई मटेरियल बनाया है और उसकी सारी टेक्निकल प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तब जाके आप उसको कस्टम मटेरियल बनाओ, या अदरवाइज आप यू कैन यूज़ ऑल दिस मटेरियल्स। बराबर, तो ये मटेरियल मैंने अप्लाई कर रहा हूँ अभी, AISI 1020, तो अप्लाई। बराबर, अब ये मैसेज मेरे में अपीयर क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, तो वो मुझे ये दिखा रहा है कि भाई आप अभी डिफ़ॉल्ट में अप्लाई कर रहे हो, तो बाकी तीन में ये मटेरियल अप्लाई नहीं होगा, आपको मैन्युअली अप्लाई करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, तो अभी मैं यहाँ से यस कर रहा हूँ और क्लोज कर दिया। ओके, तो ये मटेरियल मेरा यहाँ अप्लाई हो चुका है। तो और मटेरियल अप्लाई करने के लिए देखो, ये सिर्फ डिफ़ॉल्ट में हुआ, मुझे यहाँ मटेरियल नहीं है, तो यहाँ जाके राइट क्लिक एडिट, और मैं और कोई मटेरियल यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। इसमें मैं ये मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ, और इसमें मैं और कोई सॉलिड में एडिट एलॉय स्टील अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से आप फिज़िकल मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, और फिज़िकल मटेरियल का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सॉलिड वर्क में। बराबर, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।